Please subscribe to Rinku's cooking channel. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं वीकेंड आ गया, तो बच्चे लोग के तो बहुत अच्छा अच्छा खाना पसंद करता है ये सैटरडे संडे के लिए, तो इसलिए हम आज आपको फ्रूट आइसक्रीम बनाने सिखाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के ज़रूरी है, बहुत टेस्टी भी है और बहुत ईजी भी है। पसंद आने पर ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और कॉमेंट करते रहिए। इसके लिए ज़रूरी है पाइनएप्पल, जो छोटे छोटे पीसेस में कट कर रखे हूँ हम स्क्वायर पीसेस में, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी सॉस, बाजार में मिलता है स्ट्रॉबेरी सॉस आप ले लीजिए, आप इसमें चॉकलेट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, वैनिला आइसक्रीम और अनार पोमग्रेनेट। इसमें कोई दूसरा फ्रूट भी जो घर में अवेलेबल है यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम दो इस तरह ग्लास लिए, आप कोई भी बोल भी यूज़ कर सकते हैं मगर ग्लास ग्लास अच्छा रहेगा। और जो मेरा सॉस स्ट्रॉबेरी सॉस को हम थोड़ा सा एक बोल में निकाल कर रखें, और इसके लिए आपको ग्लास में इस तरह कुछ भी नहीं, आपको जस्ट इस सेप से आप इसको डाल दीजिए इस तरह, वो अपने आप जैसे ही सेप लेगा इस तरह आप दीजिए। उसके बाद आपको जरूरी है थोड़ा सा आइसक्रीम पहले डालिए, पोमग्रेनेट दे, अनार, अनारस, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। उसके बाद आपको फिर वापस आइसक्रीम देना है, अनार, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, इसी तरह रिपीट करके आपको जितना भी चाहिए। ऊपर से हम इस तरह आइसक्रीम दिए और स्ट्रॉबेरी सॉस ऊपर से देकर आपको जस्ट एक बार इसको स्पून से बहुत हल्का हाथ से इसको इस तरह आपको एक बार घुमा देना है और ऊपर से आपको सॉस से सर्व करना है। इसी तरह आपको एक लंबा स्पून लीजिए और एंजॉय कीजिए। पसंद आने से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड कमेंट करते रहिए।